Okay students exercise 1.1 1 .1, question number 2 पार्ट uh, नंबर इसका मैंने जो डायरेक्ट लिखा है वो सेकंड लिखा है फर्स्ट आपने बिल्कुल सेम इसी तरह करना है क्वेश्चन ये कि साल बाय फैक्टराइजेशन बहुत आसान सी बात है कि ये जो क्वेश्चन नंबर टू के सिक्स पार्ट्स हैं इनको आपने फैक्टराइज करना है और फैक्ट्राइजेशन करके जैसे कि प्रीवियस क्लासेज में आप uh, कर चुके हैं आप फैक्ट्राइजेशन करेंगे और फैक्ट्राइज़ करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो ज़रा आप इस मैथड को देख लें और बाकी क्वेश्चन पर भी हम अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको कर दूँगा और कुछ जो मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा वो आपने uh, एज अ होमवर्क वर्क क्वेश्चन को करना ये देखें थ्री वाई स्केयर आपको नजर आ रहा होगा ये मैं थोड़ा सा और पास कर देता हूँ कैमरा थ्री वाई इसकेयर इज़ इस इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में वाई स्केरयर माइनस फाइव वाई हो जाएगा अब आप नेक्स्ट टाइम में ये करेंगे कि इसको लेफ्ट साइड पे आप ट्रांसफर कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को ताकि ये कंबाइन हो जाए थ्री वाई इनके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस वाई स्केयर माइनस फाइव वाई यहाँ पे आके प्लस फाइव वाई हो जाएगा टू जीरो थ्री वाई माइनस वाई इक्वल्स टू टू वाई स्केयर प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो अब इसमें से वाई आप कामन ले लेंगे तो ब्रैकेट में टू वाई प्लस फाइव आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो अब आपने इन दोनों को सेपरेटली इक्वल टू जीरो करना है जो आपने कामन लिया है वाई उसको आप सेपरेटली इक्वल टू जीरो करेंगे और जो आप कॉमन वैल्यूज ले चुके हैं टू वाई प्लस जिन में से कॉमन है तो उसको इक्व टू जीरो कर लें यहाँ पर तो ऑलरेडी वाई वैल्यू जीरो आ चुकी है यहाँ पर आप टू वाई इक्वल टू वाई की वैल्यू फाइंड कर लें फाइव वाई राइट साइड पे ट्रांसफर होकर माइनस फाइव हो जाएगा और टू चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है एज़ यूजल इसको हम राइट right साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा तो ये हमारी फैक्ट्राइजेशन का आंसर्स हैं वो जीरो एंड माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर है तो इसी तरह हमने बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह कर लेने हैं